हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की जो है वो तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले जो है मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ यहाँ पे दूध गर्म, क्योंकि बच्चा जो है वो उठ चुका है और उसको उठते ही जो है दूध चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर और पूरी। तो यहाँ पे मैंने खीर के लिए जो है वो चावल जो है वो तो भिगा के रख दिए हैं। तो यहाँ पे बच्चे के लिए दूध जो है वो गर्म हो चुका है। तो पहले सबसे पहले मैं जो है उसको फटाफट जो है दूध देके आती हूँ। तो यहाँ पे जो है खीर मैं ना दूध वाले पतीले में ही बनाऊँगी। मैंने दूध जो था ना जो थोड़ा सा मैंने ना क्या करा और लोटे में निकाल दिया है शाम के टाइम, शाम को जो चाय बनानी है उसके लिए। तो यहाँ पे पीछे ना मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ना बच्चे ने ना सारा दूध जो मैंने उसको गर्म करके दिया था वो उसने सारा दूध जो है ना वो गेर दिया है। तो यहाँ पे ना फिर मुझे अब उसके लिए दोबारा से जो है दूध गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से पहले तो मैं आटा गूंद रही हूँ पूरी के लिए। तो मैंने आटे में जो है नमक और हल्दी रखी है। कस्तूरी मेथी मेरे पास थी नहीं, तो वरना कस्तूरी मेथी से ना मेरे को ना पूरी का स्वाद जो है ना वो और भी अच्छा होता है। अब मेरे को मंगवाना भी है। तो यहाँ पे जो है आटा तो मैंने गूंध दिया है। तो आटा जो है वो मैंने रेस्ट पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तब तक मैंने सोचा कि बच्चे के लिए जो है ना वो दूध गर्म कर देती हूँ, उसको दोबारा दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है चावल भी जो है वो भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो दूध भी जो है वो एक बॉयल हो चुका है। तो मैंने उसमें जो है चावल जो है मिक्स कर दिए। तो चावल मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बार जो है अच्छे से मतलब करछी से जो है एक बार हिला लूँगी और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर इसको जो है ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे ढकने से ना थोड़ा जल्दी बन जाएंगे, वरना क्योंकि फिर बच्चे को जो है स्कूल भी जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसमें ढक्कन लगा दिया है। तो यहाँ पे जो है तब तक मैं जो है बादाम को जो है कद्दूकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे बादाम जो है मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको कद्दूकस करके ही जो है उसमें डालूँगी, क्योंकि ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से खा ले, वरना वो पता है क्या करता है कि अगर कट करके रखती हूँ तो वो सारा जो है वो निकाल देता है। तो चलिए यहाँ पे तब तक जो है एक तरफ खीर बन रही है, दूसरी तरफ जो है मैंने ना कढ़ाई में जो है वो तेल रख दिया है। तब तक तेल जो है वो गर्म होता रहेगा, तब तक यहाँ पे जो है मैं सारी पूड़ियाँ जो है वो बेल के रख दूँगी। तो यहाँ पे बच्चे को जो है अभी मैंने उसको तैयार भी नहीं किया है, तो अब मैं पहले जो है सबके लिए ही पूड़ी बना रही हूँ। तो तब फटाफट तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैंने सारी जो है पूड़ियाँ तो वैसे भी जो है बना दिया, मैं फटाफट से इनको तलूँगी और उसके बाद जो है फिर बच्चे को करूँगी तैयार। तो चलिए यहाँ पे बच्चे को जो है मैंने यहाँ पे उसको नहला के आ चुकी हूँ। आज उसके स्कूल में ना फंक्शन है, तो यहाँ पे आज उसके स्कूल में ना सनग्लास एंड कैप डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए आज स्कूल में जो है पूरा ब्लैक ड्रेस वगैरह सब कुछ जो है ना ब्लैक ही पहन के जाना है। तो यहाँ पे मैंने उसको जो है नहला के तो मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है अब मैं कर रही हूँ उसको रेडी, और यहाँ पे साथ साथ में जो है मैं उसको खाना भी खिला रही हूँ। तो यहाँ पे ना आज वो अपने कपड़ों को देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसके नए कपड़े आए थे ये ब्लैक कलर के। और यहाँ पे जो है अभी इसको कैप भी लगानी है, और यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे जो है सनग्लास भी लगाने हैं। तो यहाँ पे उसके जो अब यहाँ पे जो है उसने कैप और सनग्लास जो है वो पहन लिए हैं, और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है आज तो। और यहाँ पे अब ना वो फोटो क्लिक करवाने के लिए यहाँ पे उसने हमने उसको चेयर पे खड़ा करा है, और देखना कैसे एक्शन मार रहा है। दोनों ना मतलब कि पैंट जेब में ना दोनों जेबों में हाथ रख के और यहाँ पे शीशे में जो है अपने आप को देखे जा रहा है। तो चलिए जी, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आज मैं भी गई थी। मैंने सोचा कि मैं भी ना देख के आती हूँ कि और भी बच्चे जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। सच में सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, सबने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। तो वहाँ से आने के बाद जो मैंने हस्बैंड को जो है ब्रेकफास्ट दे दिया है, तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ घी। तो घी के लिए मैंने मलाई को जो है ना सुबह ही बाहर निकाल दिया था, तो वो अब अच्छे से जो है मेल्ट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे ना अब उसको जो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी एक दो करछी फेर के ही ना, तो उसमें से ना सारा जो ये मतलब एक्स्ट्रा दूध था वो सब निकल चुका है। ये एक्स्ट्रा दूध को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से मैंने ना उसको निकाल के अच्छे से, तो यहाँ पे अब मैं ऐसे तो मेरा जो है अभी घी जो है वो है लेकिन ना ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं उसको ना एक अलग सी डोलची में ना रख दूँगी। तो ये हो भी गया था, 10 दिन का तो हो ही गया था, तो फिर मैंने कहा कि बना ही देती हूँ।
तो चलिए जी, यहाँ पे अब मैं जो है घी को जो है गैस पे रखूँगी और दूसरी तरफ जो है मैं तथा फटाफट से जो है सारे बर्तन जो है उनको धो दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बर्तन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं आज। तो यहाँ पे एक तरफ घी बनता रहेगा और मैं जो और बर्तन मैंने कम आँच पर रख रखा है ताकि वो नीचे ना चिपके। तो यहाँ पर मैं बर्तन माँज रही हूँ तथा थोड़ी देर में तथा माँ दूँगी, तब फिर उसको उसके बाद ना फिर मैं ना उसके बाद जो है घी पर ही थोड़ा ध्यान दूँगी, वरना वो नीचे चिपक जाता है अगर फिर फुल आँच पे कर दूंगी, ताकि वो जल्दी से बन जाए और मैं अपना सारा काम निपटा लूँ जल्दी। तो चलिए जी, यहाँ पे किचन का जो है सारा काम फिनिश हो चुका है, घी भी जो है वो बन चुका है, तो मैंने उसको जो है डोलची में रख दिया है और किचन की जो है मैंने सफाई भी जो है वो भी कर ली है। तो यहाँ पे जो है मैं अब कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। तो यहाँ कल मैंने कपड़े धोए थे तो मैं उनको जो है शाम के टाइम ही जो है अंदर लेके आई थी, अब इनको फटाफट से फोल्ड करके अब इनको मैं रख दूंगी अलमीरा में। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे चरपाई में कपड़े रखे हैं ये धोने के लिए रखे हैं, तो उनको अब जो है मैं अभी बालकनी में मैंने जो है भिगाने के लिए उनको जो है रख दिया है। तो चलिए जी, यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ बेडशीट को ठीक। तो यहाँ पे बाहर मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह को जो है वो धूप में रख दिया है, क्योंकि कपड़े जो है वो अभी तो धोने हैं नहीं, तो तब तक जो है मैंने सोचा बाहर जो है ब्लैंकेट्स को धूप में रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप फटाफट से करते हैं बेडशीट को ठीक। तो यहाँ पे बेडशीट तो मैंने चेंज नहीं करी है, मैंने वही वाली बिछाई है, अभी मैंने 2-3 दिन ही हुए हैं तो मैंने कहा कि इसको रहने ही देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट जो है वो तो ठीक हो चुकी है, अब करते हैं घर का सारा काम। तो पहले मैं जो है झाड़ू लगाऊंगी, सब ऑनलाइन जो भी जितना भी सामान आज मैंने मंगवाया था ना, सब बच्चे ने उसकी जितनी भी पॉलीथीन थी और जो थी ना वो सारी चरपाई के नीचे ना सब फेंक रखी है, वो उन्हीं से खेलता है तो वो उनको क्या करता है कि ना खुद ही खोलता है और फिर उन जो पॉलीथीन वगैरह होती है ना उनको चरपाई के नीचे डाल देता है। तो चलिए यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ जो है झाड़ू लगाई है, पोछा नहीं लगाया, तो मैंने सोचा तब तक जो है मैं कपड़े धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह जो है बाहर रख रखे हैं, और इससे ये एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि जो धूप है ना वो थोड़ी कम भी लग रही है, वरना धूप जो है ना बहुत ज़्यादा तेज की हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ जो है कान में लगा रखा है हेडफोन, तो यहाँ पे अपना जो है गाने सुन के फटाफट से जो है सारे कपड़े धोऊंगी, तो यहाँ पे जो है पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए कपड़े जो है वो तो धुल चुके हैं, तो मैंने अभी जो है इनको ना यहाँ पे जो है निखारने के लिए रखा है। और यहाँ पे ना इस गमलों के पीछे जो है कबूतरों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, अभी पता ही वो क्या करते हैं कि गमलों के ऊपर जो है अपना घोंसला बना के बैठने घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, मिट्टी पूरी जो भी गमले में वैसे जितनी भी मिट्टी होती है पहले तो उनको सबको निकालते हैं और फिर यहाँ पे जाके लकड़ी इकट्ठा कर करके गमलों में इकट्ठा कर देते हैं, और फिर ना यहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैंने कहा कि पहले तो उन्होंने वहाँ वॉश बेसिन के ऊपर कर रखा था, अब उन्होंने जो है गमले के ऊपर पकड़ लिया है। तो कितना भी उनको वो करो फिर भी पता नहीं क्या है। अब मैंने ना यहाँ पे गमलों के ना पता क्या करना है, अगले दिन अभी जो मॉर्निंग में मैं थोड़ी देर में ना गमलों को जो है ना उनके ना आसपास ना कुछ सामान रख दूंगी, ताकि वो वहाँ पे जो है कुछ भी ना करे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जो है लगा रही हूँ पोछा। तो फटाफट से बस मेरा सारा काम तो हो चुका है और मैंने कपड़े जो हैं वो भी टांग दिए हैं, तो अब मैं बस अब नहाना ही है, फिर बच्चे को लेने भी जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी ना यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। ऐसे ही स्वस्थ रहना, खुश रहना और मुस्कुराते रहना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।